जैसे हम जानते हैं कि आप ब्रिटिश में लंदन में रहती हैं, आपके मॉम डैड पंजाब, आप एक एज ए इंडियन हैं, तो जी आप ब्रिटिश में जाके रहनी है, तो ये प्रोजेक्ट एक बॉलीवुड डेब्यू आपको कैसे मिला? ये एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं इसमें मतलब बॉलीवुड की लाइन में आऊँ, और मैंने अपना पहला जो मॉडल पोर्टफोलियो यहाँ पे कराया था बॉलीवुड के लिए, उसी ज़रिए मेरा ये जो काम था उसी मतलब अपॉर्चुनिटी जो है वो जी, वहाँ से आई। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक फर्स्ट मूवी ऑफ बॉलीवुड, लंदन से यहाँ बॉलीवुड मूवी करने, पूरा जर्नी कैसी थी? लाइक सुनील दर्शन की बात करें, उपेन पटेल की बात करें, नताशा जी की बात करें, तो कैसा रहा उनके साथ काम करने में एक्सपीरियंस? सब बहुत अच्छे थे, एवरीबॉडी वाज वेरी प्रोफेशनल, और मज़ा भी आया काम करने में। आपको तो पता ही है सुनील दर्शन की तो बहुत सारी फिल्में हैं, तो जी, इट्स अ रियली बिग ब्रांड, और मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी उनके साथ काम करने के लिए मिली, और सब लोग बहुत अच्छे से मतलब थे एज फ्रेंड्स, सेट पर भी और ऑफ स्क्रीन भी। तो जैसे आप लंदन में रहती हैं, तो लंदन में रहने के बावजूद भी आप इंडिया आके ये मूवी करना, मतलब बचपन से ही सोच रखा था कि एक बॉलीवुड एक्टर बनना है या लंदन में ही कुछ करने का सोचा था? नहीं, लंदन में तो कर ही रही थी, जी और जब मौका मिला कि यहाँ पे आके कुछ करूँ तो नेचुरली मुझे था कि जो एक्चुअल ड्रीम था वो यहाँ पे होकर मतलब सच होना चाहिए। कैरेक्टर क्या था आपकी मूवी में, एक? कैरेक्टर भी मेरा ब्रिटिश का ही था, और सो ज़्यादा चेंज मतलब अपने आप को नहीं करना पड़ा एज अ ब्रिटिश गर्ल, एंड द अपॉर्चुनिटी वॉज वेरी नाइस। आई थिंक कहते हैं ना, जब आपके स्टार्स अलाइन होते हैं तो सब कुछ इट ऑल हैपन्स टुगेदर एट वंस। स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट जब दी गई थी, लाइक थोड़ा डिफिकल्टी रही होगी लाइक ब्रिटिश गर्ल प्ले करने में? ब्रिटिश गर्ल प्ले करने में तो आपको बहुत आसानी रहेगी, लाइक हिंदी में दिया गया था स्क्रिप्ट, इंग्लिश में, और सुनील दर्शन जी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा जानना चाहेंगे। तो स्क्रिप्ट तो इंग्लिश में ही थी जी और डायलॉग्स भी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में थे, जी तो माय हिंदी इज़ नॉट दैट बैड, जी इतनी भी बहुत बुरी नहीं है नहीं, बोल लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ। और सुनील सर के साथ मैंने जब भी कुछ भी डिस्कस करना चाहा तो इट वाज फाइन अबाउट ऑल ऑफ द कैरेक्टर, एंड ही इज़ वेरी अप्रोचेबल, तो ठीक था। तो जैसे लंदन में आप रहती हैं, तो वहाँ के लोगों का देखने का नज़रिया क्या है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, और लोग वहाँ के सुपरस्टार, वहाँ फेमस कौन है बॉलीवुड स्टार में, लंदन में? लंदन में तो ज़्यादातर प्रियंका को सब जानते हैं जी बिकॉज़ वो हॉलीवुड में भी जा चुकी है अभी, जी और दीपिका'ज़ नेम इज़ नाउ कमिंग आउट। या तो आपके कौन फेवरेट हैं? मेरे सब अच्छा काम कर रहे नहीं, हैं वो ना रहता है ना तो कि इनके साथ काम करना है आगे चल के, एक प्रियंका से मैं मिल चुकी हूँ एक्चुअली इन लंदन, तो शी इज़ वेरी नाइस, वेरी चार्मिंग, तो उनसे कुछ बहुत ज़्यादा सीखना भी मतलब है, और मिले भी है मतलब उस जितना भी काम उसने किया है अब तक, सात खून माफ एंड ऑल दीज डिफरेंट फिल्म्स दैट शी इज़ डन हैव ऑल बीन वेरी इंस्पायरिंग। जैसे इंडिया की लड़की होने के बावजूद लंदन में जाके पहली बॉलीवुड हिंदी सिनेमा मूवी मिलना, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि बेटी को पहली बॉलीवुड मूवी मिली है, क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी आपके पेरेंट्स को? पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बॉलीवुड में थोड़ा बहुत तो होता है ना सबको कि जाना है कि नहीं जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना, इंग्लिश टीवी करना वगैरह, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ का माहौल और यू नो अननोन जैसे कहते हैं, थोड़ा सा वाइल्ड है सबका मानना है, तो उनका थोड़ा सा यही था कि बी केयरफुल, लेकिन अगर चाइल्डहुड ड्रीम पूरा हो रहा है तो जाओ, इट्स नाइस, प्लीज थे, हैप्पी थे। पिक्चर देखी आपके पेरेंट्स ने? नहीं बिकॉज यूके में ये नहीं रिलीज होने वाली है। तो आप कभी दिखाना ऑफकोर्स चाहेंगे? ऑफकोर्स दिखाना चाहेंगे ज़रूर। हाँ तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, मतलब बॉलीवुड मूवीज करना चाहेंगी या फिर और भी कुछ सोचा है?
आगे? बॉलीवुड तो एक मतलब एक साइड पे है ही, डेफिनेटली हम करना चाहेंगे. और आई एम एक्चुअली इन टॉक्स विद फॉर पंजाबी सिनेमा. पंजाबी हूँ, मम्मी डैडी दोनों आप एज यू सेड फ्रॉम इंडिया पंजाब, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी इफ़ आई कैन डू पंजाबी फिल्म. ज़्यादा कहाँ रहना पसंद है, इंडिया में या लंदन? दोनों अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन वो जो ओके बज़, मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगा. यहाँ का ओके मतलब जो बज़ है इट्स वेरी कैचिंग और वेरी इंस्पायरिंग. इट्स वेरी नाइस. कोई ऐसी खास चीज़ इंडिया की जो बहुत पसंद है, लाइक फूड, प्लेसेस, हॉलीडे प्लेसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं? मुझे यहाँ के मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स. आई थिंक द पीपल आर वेरी नाइस है. पीपल जेन्यूनली वेरी फ्रेंडली, ओपन एंड काफ़ी वार्म मुझे लगते हैं. और सब मस्त रहते हैं, अपनी अपनी दुनिया में सब मस्त रहते हैं. आई हैव बीन हियर नाउ 1 वीक और मैंने देखा है कि सब लगे हैं, कोई मतलब किसी से कुछ नहीं, इट्स जस्ट बिंदास जैसे कि आप लोग बोलते हैं. वो अच्छा लगा. जैसे आज मूवी रिलीज हुई है तो रेस्पॉन्स जिस तरह का मिल रहा है, उस कितनी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से खरी उतरी है मूवी या और भी ज़्यादा आपको था कि और चलनी चाहिए?